मध्य प्रदेश के धार जिले की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट और डकैती की वारदात में संलिप्त दो अंतर्राज्यीय बदमाशों को काबू किया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कई दिनों से रात में हाईवे व सुनसान रोड पर नुकीले पत्थरों को मिट्टी में गाड़कर रापी लगाकर वाहनों को पंचर कर लूट व डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस बार बदमाश इंदौर अहमदाबाद फोर लेन रोड चीकलिया फाटा पुलिया तिरला के पास लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही एक टीम गठित की। पुलिस टीम तुरंत एक योजना बनाकर घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस को आता देखकर वहां से दो संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि आरोपियों में जिला झाबुआ का रहने वाला 28 वर्षीय मुकेश तथा 22 वर्षीय संजय उर्फ सज्जन ने पुलिस के समक्ष अपनी योजना कबूल कर ली। बाद में इन बदमाशों ने बताया कि उन्होंने थाना तिरला के तहत बीते माह में एक मंत्री के पीए आनंद भट्ट व उसके परिवार से भी लूटपाट की थी। इसके अलावा वह तीन और बड़ी लूट डकैती की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चार अलग अलग मामलों में लूट किए गए करीब 4 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस को बाद में पता चला कि एक आरोपी मुकेश झाबुआ डकैती व लूट जैसे जघन्य अपराधों में थाना मुहु जिला इंदौर व जिला कोटा से भी फरार था। जिला धार के एसपी आदित्य प्रताप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमकार सिंह कलेश व अरविंद तिवारी ने बढ़ती घटनाओं को देखते हुए क्राइम ब्रांच प्रभारी धार संतोष कुमार पांडे को निर्देश दिए थे। पुलिस की इस टीम में सीएसपी धार संजीव मूले, थाना प्रभारी तिरला सवाई सिंह नागर, सौनी बालकृष्ण मिश्रा, सीएसपी पीथमपुर अजय जैन, थाना पीथमपुर सेक्टर 1 से उनी हिना जोशी, एसडीओपी सरदारपुर ऐश्वर्य शास्त्री, थाना प्रभारी राजगढ़ लोकेश सिंह भदौरिया, उनी प्रेमा भूरिया मय शामिल थे। क्राइम ब्रांच टीम ने उनी बलजीत सिंह बिसेन, सौनी धीरज सिंह राठौर, राम सिंह, संजय आर राजेश, रूपेश बलराम, राहुल कमलेश, प्रशांत एवं अन्य थानों से पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की, जिससे विभिन्न 4 मामलों का भी खुलासा हुआ। पूछताछ में मालूम हुआ कि आरोपियों ने इंदौर अहमदाबाद रोड पर झाबुआ के रहने वाले सरबजीत सिंह अपनी कार से जब जा रहे थे तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी पंचर करके उनसे सोने के आभूषण लूट लिए थे। एक अन्य घटना में धवल पिता शैतानमल डांगे निवासी धार जब अपने परिवार के साथ जा रहा था तो आरोपियों ने उनके परिवार से सोने के आभूषण, मोबाइल और 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूट ली। इसी प्रकार एक मंत्री के पीएम आनंद कुमार के परिवार से इन्होंने आभूषण 6,000 की नकदी लूट ली थी। चौथी वारदात में भी आरोपियों ने लेखराज निवासी इंदौर जब अपने परिवार के साथ जा रहा था तो आरोपियों ने उसके परिवार से भी लूटपाट कर सोने के आभूषण व अन्य कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस ने आरोपियों से कई सोने व चांदी के आभूषण सहित 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनके साथ इन वारदातों में झाबुआ के रहने वाले अक्रम, नाहर, दिर्याव, राकेश तथा दुआ भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी है। आज धार पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच था और हमारे थानों की पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को पकड़ा। उन 2 आरोपियों से अभी 4 पुराने लूटों का खुलासा हुआ है, जिसमें एक लूट है माननीय मंत्री श्री पीसी शर्मा जी के जो किए हैं के साथ लूट है 16-10 तारीख को, उसको पुलिस ने ट्रेस किया है। इसमें 4 बड़ी लूटों का खुलासा हुआ है और करीब 4 लाख का मुशुल्का रिकवर हुआ है। और ये माछलिया के रहने वाले हैं जो दोनों आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं, मुकेश पिता निर्भय सिंह और संजय पिता सोलू भूरिया, माछलिया के रहने वाले हैं। और उनका जो गैंग है उसमें अक्रम, नाहर, दरिया, राकेश, दुआ, इन लोगों का भी पता चला है। ये लगातार झाबुआ से इंदौर जो हाईवे है उस पर घटना करते रहे हैं। इनके द्वारा सीहोर, झाबुआ, इंदौर में भी घटनाएं की गई हैं और अभी से पूछताछ जारी है। संभव का अन्य मामलों का खुलासा होने की संभव। ये लोग घटना करने के लिए तिरला क्षेत्र में फिर आए थे और वहां पर इनको पकड़ा गया, जिसमें 2 लोग पकड़े गए, बाकी इनका जो गैंग है फरार हो गया। ठीक है, अभी और कितने लोग पकड़ने? अभी 5 लोग और बचे हैं इनके गैंग में और उन पर लगातार वर्क किया जा रहा है, उन्हें भी जल्दी पकड़ा जाएगा। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।